गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 10 पढ़ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ ग्रेट टीचर। आत्मविश्वास एक बड़ी शक्ति है। पावर माने शक्ति, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, सेल्फ माने स्वतः। ठीक है, आप लोग ध्यान से लेसन पढ़िए। वंस अ हंटर वेंट इनटू अ फॉरेस्ट टू ट्रैप द बर्ड्स। हंटर माने शिकारी, फॉरेस्ट माने जंगल, ट्रैप माने फंसाना, बर्ड माने पक्षियों को। एक बार एक शिकारी जंगल में पक्षियों को फंसाने के लिए गया। ही स्प्रेड अ नेट एंड स्कैटरिंग सम ग्रेन्स ओवर द नेट टू अट्रैक द बर्ड्स। ही स्प्रेड अ नेट, वह जाल फैलाया और उसमें कुछ अनाज के दाने डाल दिया। ओवर द नेट, जाल में, टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है ना, वह अपना जाल फैलाया और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए जाल में कुछ अनाज के दाने डाल दिया। सून अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स पासिंग बाई ओवर द नेट। शीघ्र ही पक्षियों का एक समूह वहां से गुजर रहा था। देसा द ग्रेन्स एंड ग्रीड टू केम डाउन। उन्होंने अनाज को देखा और उनके मन में लालच आ गया। टू द ग्राउंड टू ईट द ग्रेन्स, टू केम डाउन, वे अनाज खाने के लिए जमीन पर उतरे। दे सेट ऑन द नेट टू ईट द ग्रेन्स एंड ट्रैप इन द नेट। दे सेट ऑन द नेट, वे अनाज को खाने के लिए जाल पर बैठे और उसमें फंस गए। When the hunter saw the birds, जब पक्षियों शिकारी ने पक्षियों को देखा, he was very happy, वह बहुत प्रसन्न हुआ। The birds tried hard to free themselves from the net, but they were unable to do so. पक्षियों ने बहुत प्रयास किया अपने आप को जाल से छुड़ाने के लिए, लेकिन वे नहीं छूट सके। अनेबल टू डू, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ थे। पक्षियों ने अपने आप को जाल से छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ थे। दे बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर टू दियर फ्यूचर। फ्यूचर माने भविष्य, डेंजर माने खतरा, अवेयर माने जागरूक। वे अपने भविष्य के खतरे से अनजान थे। द सिचुएशन बरीड देम, बट दे डिड नॉट लूज देयर करेज। स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन वे अपना साहस नहीं छोड़े। विथ कॉन्फिडेंस दे मेड अ प्लान। विश्वास से उन्होंने एक योजना बनाई। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है, द बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव नेचुरल सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पक्षियों और जानवरों के नेचुरल सेंस यानी प्राकृतिक दिमाग आत्मविश्वास के लिए होता है। सो दे मेड अ प्लान एंड डिसाइडेड टू फ्लाई अवे ऑल द वंस अलोंग विद नेट कॉन्फिडेंटली। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और कॉन्फिडेंटली विश्वास से एक साथ उड़ने का की योजना बनाई। इसलिए उन्होंने विश्वास से एक साथ उड़ने की योजना बनाई। दे ट्राइड एंड डिड सो इट जस्ट इन टाइम। उन्होंने प्रयास किया और कुछ ही पलों में ऐसा कर दिया। दिस स्कीन लेफ्ट द हंटर अमेज्ड एंड एज। यह दृश्य देखकर शिकारी स्तब्ध और हैरान रह गया। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ द बर्ड्स। वह पक्षियों के आत्मविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। द हंटर ट्राइड टू शूट देम डाउन बट फेल्ड। वह पक्षियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। एज बर्ड्स अलोंग द नेट फ्लू आउट ऑफ हिज साइट ऑफ अ वेरी सून। पक्षियों ने एक साथ उसकी निगाह से उड़कर ओझल हो गए। वन ऑफ द बर्ड्स हैड फ्रेंड हू लिव्ड क्वाइट फार अवे। उन पक्षियों का एक दोस्त कुछ दूरी पर रहता था।
इफ दिस फ्रेंड वाज अ रैट हु लिव्ड इन अ होल नियर अ ट्री, यह दोस्त एक चूहा था जो पास के ही एक पेड़ के खोखले में रहता था, पेड़ के पास एक भिल में रहता था। ठीक है, दे वेंट टू द रैट एंड केम डाउन ऑन द ग्राउंड, वो चूहे के पास गए और जमीन पर उतरे। दे कॉल्ड आउट टू हिम, उन्होंने उसे बुलाया, फ्रेंड दोस्त, द रैट केम आउट एंड सॉ हिज फ्रेंड एंड अदर बर्ड्स इन ट्रबल, चूहा बाहर निकला और उसने अपने दोस्त और दूसरे पक्षियों को मुसीबत में देखा। He immediately began to bite the cords of the net, वह शीघ्र ही जाल के धागों को रस्सियों को काटने लगा। And the birds went to on to be free, और पक्षियों को स्वतंत्र कर दिया। आगे फिर से, thus the birds were saved from the greedy hunter, इस प्रकार पक्षी अपने आप को लालची शिकारी से छुड़ा पाए। By their own quality, अपने खुद के गुण, and self confidence, अपने आत्मविश्वास से, to solve their problem, अपनी समस्या को हल कर लिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, self confidence is a great teacher। ठीक है, इस तरह से लेसन खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर होंगे।